नाम के जिंदा के नाम है प्रोग्राम में आप सबको को वेलकम खुश करते हैं हर रोज की तरह आज भी बहुत ही बाबरकत खुदा के खादम इस प्रोग्राम में मौजूद है लेकिन चंद ही लम्हे के बाद अपने गेस्ट का तारुफ भी करवाऊंगी लेकिन इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट का तारुफ करवाऊँ मैं आप सबों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि पूरे पाकिस्तान से बहुत अच्छी फीडबैक मुझे मिलती है कि आप इस प्रोग्राम को लाइक करते हैं बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इस प्रोग्राम के लिए और आप सबों का बहुत शुक्रिया और मेरा ईमान है कि आज भी जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है उनके वसीला से भी आज खुदा की बरकत को हासिल करेंगे और ख़ुदा की जिंदा आवाज़ को भी सीखेंगे तो सबसे पहले हमारे साथ खुदा के खादम बिशप जुवेद मलक साहब मौजूद है बिशप साहब आपको वेलकम करते हैं थैंक यू बाजी प्रेज और खुदा आपको बहुत बरकत है इसी तरह से पास्टर मुमताज हमारे साथ है पास्टर मुमताज आपको भी वेलकम करते हैं और इसी तरह से पास्टर कैलवन हमारे साथ है पास्टर कैलवन आपको भी वेलकम करते हैं प्रेज द लॉर्ड मेरा यह है कि आज इस प्रोग्राम के वसीला से जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं आप सब जो है वो बरकत पाएंगे आए अपनी आंखों को बंद कीजिएगा इस प्रोग्राम का आगाज जो है हम दुआ से करेंगे और पास्टर ममताज के साथ मिलकर हम आगाज में इस प्रोग्राम के लिए दुआ करेंगे हालेलुयाह हम सिर को झुकाएं दुआ करेंगे बार बार हमें मौके देता yes, हम तेरे yes, कदमों में झुके और तुझे सजदा करें hmm. तो सजदे के है ये सुनासी हम तुझे इस वक्त चूमते हैं तुझे मुबारक कहते हैं क्योंकि तू मुबारक है क्या yes, खुदा तू हमारे प्रोग्राम में सारी मदद कर रहनमय कर क्योंकि तू ही है जो हमारा मददगार और रहनमा बन जाता है अपनी खादमा को बड़ी बरकत दे तू बरकत से भरा हुआ खुदा है ये सुनासी तेरा नाम चला पाए तू चलाता बादशाह अपनी खादमा को और तरह बतरा इस्तेमाल कर और ए खुदा तू बड़ी मदद कर रहनमाई कर छो और बड़ी बरकत दे मसीह के अलकादर चला नाम मांगते हैं आमीन 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 थैंक यू पास्टर मुमताज और मेरा ईमान है कि जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं ये स्क्रीन के ऊपर नंबर आप देख रहे हैं अगर कोई भी आपकी दुआ या दरख्वास है कोई आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप भी हमारे साथ यहाँ पर आकर अपनी गुआई को शेयर करना चाहते हैं खुदा के कलाम को देना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर हमसे राबा कर सकते हैं और जैसे जैसे खुदा के कलाम हक़ में भी लिखा हुआ है बस तुम जाकर सब कॉमों को शगिद बनाओ तो आज यही खुदा के खदम जो है ये काम कर रहे हैं तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि इनकी खदमत का कैसे

और मैं शुक्रगुजार हूं हूँ बिलखसूस पास्टर जॉन एडी साहब का और सिस्टर पास्टर रेचल का जिन्होंने आज हमें किंग टेलीविजन पर खुदा के जलाल के लिए मदोह किया सारी टीम का ही शुक्र गुजार हूँ और बाजी जो आपका सवाल है सिस्टर जी कि किस तरह खिदमत का आगाज किया तो 94 के अंदर मैंने बकायदा पानी का बाप लिया और बाकायदा मैंने अपनी खिदमत का आगाज किया और मैं बताना चाहता हूँ अपने व्यूवर्स को भी कि आपको भी कि मेरी बड़ी एक खुशहाल जिंदगी थी मैं बड़े अच्छे कपड़े पहनता था जूते पहनता था सोना मेरी जिंदगी में था चांदी मेरी जिंदगी में थी मगर जू ही मैंने साधु सुंदर सिंह को पढ़ा वो एक महाराजा का बेटा था और जू ही उसे यसुमसी मिला तो उसने फिर ये सब कुछ तरह करके खुदावन के पीछे चल पड़ा और उसकी जिंदगी दुखों जैसी होगी तो मैंने भी अपनी लाइफ के अंदर ऐसे ही मांगा कि खुदा मेरी भी यही रहा होनी नहीं। चाहिए तो फिर जब मैं चला और दुनिया की चीजें रियल मेरी जिंदगी से निकल गई तो ऐसे जब मैंने दुखों की राह का चुनाव किया तो यकीनन वो और दुख नहीं थे ना मेरी जिंदगी कोई बीमारी थी ना कोई तकलीफ थी मगर ने वाकई वो मेरे जो बैंक बैलेंस था वो भी मेरा फिनिश हो गया सोना चांदी भी फिनिश हो गया वो कपड़े भी और मैं एक सिंपल शख्स बन गया और आज मैं अपने व्यूवर्स को भी बताना चाहता हूं कि जो मेरी पहली मगेतर थी आज वो हॉलैंड के अंदर है उसने भी उस वक्त मुझे तरक कर दिया क्योंकि चौके मेरी मिसेज भी बैठी हुई है तो जब लिखा है कि पुरानी चीजें जाती रही देखो नहीं होगी तो एक मेरा फिर ये मतलब गराई का हिस्सा हो गया और जिसमें मैंने एक बुक मेरे हाथ में लगी दुखी दुनिया में खुदा पर भरोसा हर मजदून तक डॉक्टर बिली ग्राम की किताब लिखी मुझे मिली और उसको मैंने पढ़ा और खुदा ने कहा कि आपने मुझ पर भरोसा रखना है और ऐसे ही मैं अपने गांव से लाहौर के अंदर आ गया और लाहौर के अंदर आकर फिर कुछ अरसे के बाद 99 के अंदर बिशोजमान से अंजम साहब हमारे घर के अंदर सेवन आब के अंदर आए और उन्होंने मुझे चूज किया बहुत लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था जिसमें आज मेरी मिसिस भी जो है वो बैठी हुई हैं तो फिर खुदा ने इनके साथ 99 में मेरा रिश्ता अजवाज हुआ मेरी शादी हुई तो अपनी मुखसर गुवाही करता हूँ कि आज मेरे दो बेटियाँ हैं बेटे हैं पढ़े लिखे हैं पढ़ लिख रहे हैं

कोई मुश्किल नहीं आती कोई तंगी नहीं आती कोई परेशानी नहीं होती लेकिन मेरे ख्याल में जब आप मसीह को पहन लेते हैं मसीह के साथ आप चलना शुरू कर देते हैं तो तब आपकी एक नई जंग का आगाज शुरू हो जाता है वो जंग किसी और के साथ नहीं बल्कि अबलीस के साथ आपकी जंग जो है वो शुरू हो जाती है इस रोहे ज़मीन पर क्योंकि अबलीस नहीं चाहता कि आपके रास्ते जो हैं वो आसान बन जाए वो रास्तों के अंदर तकलीफ़ों को लेकर आता है मुश्किल को लेकर आता है तो आप क्या कहना चाहती है पास्टर ममताज इसके बारे में कि क्या मसीह के साथ चलना आसान है या मुश्किल काम है मसीह के कादर नाम में आप सबको सलाम शुक्रिया तो पास्टर रेचल का पास्टर जोन का कि आपने हमें मौका ये दिया जी आपका बहुत शुक्रिया ये दुखों की जो यीशु के पीछे चलना ना बहुत मुश्किल है जब 1988 में मैंने तोबा की तो खुदा ने उसी वक्त मुझे खुदा का पाकरू मिल गया तो ऐसे मेरी जिंदगी में फिर बड़े दुख आए मुसीबतें आई मगर ऐसे कि कि मैंने मुकाबला बिल्कुल ऐसे का हमने पल्ला पकड़ा रखा तो आज हमारे कमरा एक है, उसमें तीन कमरों के समान है जी और इसी तरह खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे शोहर भी अच्छा दिया तो सबसे पहले जो हमारे उस्ताद थे वो मेरे अबू है बिशप जमान तो इसी तरह उन्होंने कहा कि अगर मेरी बेटियों की शादी हो ना तो अच्छे घराने में शादी हो और लड़के ने तोबा की हो बात लिया। जी, जी, जी। ये ना हो कि मेरी बेटी कलाम पढ़े तो वो उसको मना करे हाँ जी। तो इसलिए उन्होंने अच्छा इनको चुना तो लाग खुदा का कर शुक्र करते हैं मैं घरों में जाती हूँ कलाम सुनाती हूँ और फिर मैंने तीन दिन का रोजा रखा और खुदा से पतरस वाली नेमत मांगी क्या खुदा तो मुझे पतरस वाली तो खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मेरी जिंदगी में काम किया और खुदा अभी भी मेरी जिंदगी में काम कर रहा है जी। एक बार मैं काफी बीमार हो गई तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे फरिश्ते ने मेरी जान निकाल देनी है मगर मेरा ये, ये भी था दिल में कि मेरे अबू आएंगे मेरे सर के ऊपर हाथ रखेंगे तो मैं शिफा पा जाऊंगी तो ऐसा ही हुआ जी। जब वो आए तो मैंने उनसे कहा तो मैं ठीक होगी तो आज भी जब मैं घरों में जाती हूँ और अपनी कहानियां बताती हूँ मेरी जिंदगी में काम किए तो इसी तरह जब मैंने बातिस्मा ले लिया उसके बाद मैंने कलाम शुरू कर दिया दिल्कुल, सुनाना दिल्कुल, और उसके बाद जब कलाम पहली बार सुनाया मत्ती की अंजीर में से तो एक लड़की ने तोबा की इसी तरह हमने रूहों को बचाना है बिल्कुल हमने रूहों को बचाना और रूहों को खुदा की बादशाह तक लेके जाना है इसी तरह है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो इस जिंदगी का ताज जिस तरह बिशप साहब ने बताया तो बहन के साथ साथ में शार शारा खिदमत nice, nice. तो खुदा का शुक्र है खुदा अपनी बरकतें दे रहा है तो थैंक यू और बाकी ये हकीकत बात है कि जब यशोल मसीह इस जमीन पर आए तो उनको भी अबलीस ने आजमाया उनके जिंदगी में भी बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ आए और फिर जब तक वो इस जमीन पर रहे तब तक लोग उनको सताते ही रहे मसीह के साथ मसीह के साथ हम जब चलते हैं तो बहुत सारे लोगों का समझ रहा है कि मसीह के साथ चलना जाए वो बहुत आसान है लेकिन खुदा के कलाम हक में लिखा है कि अबलीस का मुकाबला करो तो

हम कर देगा तो इसी तरह पास्टर साथ है पास्टर मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपकी खदमत हो चुका है जो बायदगी से किंग टीवी के सारे प्रोग्राम देखते हैं और उससे बरकत हासिल करते हैं मैं पास्टर जॉन का पास्टर रेचल आपका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार गुजार हूँ कि आज आपने फिर एक मौका दिया और मैं अपने बारे में ये बताना चाहता हूँ कि मुझे तकरीबन 18 साल हो चुके हैं खुदावन अजीब सी बात है मेरे लिए कि कहीं कहीं पे इबलीस की तरफ से मुझे बड़ी आजमाइशें आती हैं क्योंकि फॉर्चुनेटली मेरे वालदन उन्होंने मुझे तालीम जो है वो तालीम वो दिलवाई और मैंने बी एस सी डबल मैन स्टेटिस्टिक किया फिर उसके बाद मैंने एम डिव किया फिर उसके बाद मैंने एम किया सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो कभी कभी मेरे दिल में आता है कि खुदावन की खिदमत करते हुए मुझे कितनी तकलीफें मिलती हैं जिस तरह सिस्टर बता रही थी जिस तरह आपने क्वेश्चन किया कि खुदावन के साथ जिंदगी गुजारते हुए हमें कौन कौन, -कौन सी तकलीफें जो है उनमें से गुजरना पड़ता है या हम बड़े आसान जिंदगी हमारी हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि कभी कभी हमारी ज़िंदगी में बहुत सी आजमाइशें आती हैं और अक्सर मेरे साथ ये हुआ कि मैंने सेकुलर आ, सेक्टर जो है उसमें जाने की कोशिश की और यकीन करें कि खुदावन फिर मुझे कान से पकड़ के अपनी खिदमत के लिए लेकर आता वही वही और वही मैं खुदावन का शुक्र गुजार हूँ कि मैंने बड़े मौके ऐसे उन्हें मैंने खुदावन के फजल के वसीले से मैंने उन्हें छोड़ा तर्क किया और मुसलसल खुदावन की खिदमत में अठारह साल जो है मुझे हो चुके हैं आपको खूबसूरत बीवी भी दी बच्चे भी दिए क्या कहना चाहते हैं अजी मैं खुद का शुक्र गुजार हूँ में, में मेरी शादी हुई और पाकिस्तान मेरीन अकेडमी के विंसेंट डेविड साहब जो एडमिन ऑफिसर थे वहाँ पे उनकी साहबजादी डॉक्टर अफशा उनके साथ मैं मनसूब हुआ और खुदावन का लाख लाख शुक्र है कि खुदावंत ने पहला ही मुझे बेटा दिया फिर उसके बाद दो बेटियाँ दी और खुदावन का शुक्र है कि हम एक वफ़ादार खानदान के तौर पर खुदावन के साथ मिलकर चल रहे हैं और बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं और खुदावन का फजल है हमारे ऊपर हाँ, उसकी के वसीले से, सारी के वसीला से आप बरकत पा रहे होंगे कि किस तरह आ, खादम जो है वो अपनी जिंदगी को गुजारते हैं उनकी जिंदगी में मुश्किल आती है ऐसे नहीं खुदा के कलाम में लिखा कि जान देने तक वफादार रह तो काज दूंगा जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो मुश्किल आती है आजमाइश आती है कई दफ़ा बीमारियाँ आ जाती हैं और मौत बिल्कुल हमने सामने जो है वो सामने दिखाई देती है लेकिन हमने किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है डरना नहीं है बल्कि पूरी वफादारी के साथ खुदा के साथ खड़े रहना है जब हम मसीह के साथ वफादार रहेंगे खुदा हमारे साथ वफादार रहेगा और वह आसमान के नीचे खोल कर हमें अपनी बरकतों से मालामाल करेगा वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक की वॉचिंग दी मेडिकल प्रोग्राम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक आप इस वक्त देख रहे हैं दी मेरिकल प्रोग्राम दी मेरिकल प्रोग्राम में आपको फिर खुश आमदीद करते हैं वेलकम करते हैं जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि आज बहुत ही बाबरकत खुदा के खादम हमारे साथ मौजूद है बिशप जवेद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है इसी तरह से पासुरमताज हमारे साथ मौजूद है पास्टर पासुर हमारे साथ मौजूद है बड़ी खूबसूरत हम बातें कर रहे थे कि जब हम मसीह के साथ चलते हैं तो कौन कौन सी मुश्किल का हमारी जिंदगी में सामना करना पड़ता है कि क्या आया मसीह

जबूर दो और उसकी आठ आयत को हम देखेंगे खुदा के जिंदा कलाम का दस में से उसने कहा मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मराज के लिए और ज़मीन के इंतहाई से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो आमीन सो मेरी चीज हो मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मराज के लिए और ज़मीन के इंतहाई से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूँगा खुदा तो मुझे और आपका को कहता है कि मुझसे मांग और आज हम अपनी जिंदगी के अंदर जब मांगने के तलक से देखते हैं तो हम दुनिया की चीजों को मांगते रहते हैं हमारे पास फ्रिज नहीं हमारे पास टीवी नहीं हमारे पास कार नहीं हमारे पास गाड़ी नहीं तो मैं आज बताना चाहता हूं कि खुदा से मांगे और जब हम मत्ती की झील को देखते हैं तो उसमें भी एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है जरूर मैं चाहता हूं कि आज किंग टेलीविजन के व्यवर्स जो हैं वो इस कलाम को दोबारा से और ज्यादा मौसर तरीके से सीखें और खुदा की बरकत को हासिल करें और हम इसके बाप को देखेंगे और लिखा है उसकी कति साहित में इसलिए फिक्रमंद होकर यह ना कहो हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में में रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के महताज हो बल्कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रासबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी आज हम दुनिया की चीजों की फिक्र में है मगर खुदा का कलाम कहता है क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के महताज हो बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रासबाजी की तलाश करो आज बादशाही की और रासबाजी की तलाश के अंदर नहीं लोग हैं आज दुनिया की चीजों की तलाश के अंदर है तो आज मैं अपने वीवर को बताना चाहता हूं मुझसे मांग तो मैं कोमो को तेरी मराह के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा जब मैंने अपनी खिदमत का आगाज किया तो खुदा ने मेरी जिंदगी के अंदर यही आयत को रखा और आज मैं उसके मुताबिक इसको फॉलो कर रहा हूं मुझे दुनिया की चीजों की तलाश नहीं मुझे खुदा की तलाश है जब खुदा मिल गया तो दुनिया की चीजें मिल गई तो आज मैं यही बताना चाहता हूं अपने इस टाइम में कि हमें दुनिया की चीज़ों की तलाश में नहीं रहना बल्कि हमें आसमान की बादशाही और उसकी रासबादी की तलाश में रहना है और इसको अपनी जिंदगी में मांगना है यही इस ज़मीन पर भी बरकत है और आने वाले जहान में भी मेरे और आपके लिए बरकत है वेरी nice, बड़ा खूबसूरत पैगाम और नवीस की किताब और उसका दूसरे बाद, दूसरे बाप के अंदर बड़ी खूबसूरत आयत है आठवीं आयत कि वहाँ पर लिखा है कि मुझसे मांग कई दफ़ा आपने वाकई सही बताया कि हम अपनी चीज़ों की गुजारिश जो है सिफारशें जो है वो बाप से करते रहते हैं कि हमें गाड़ी चाहिए घर चाहिए बंगला चाहिए अच्छे कपड़े चाहिए लेकिन कभी हमने रूहानी तरक्की के लिए कभी हमने दुआ नहीं की कि मुझे और ज़्यादा जो है वो रूहानी तरक्की चाहिए मुझे पाक रूह चाहिए या मैं तेरे अंदर और ज़्यादा मजबूत होना चाहता हूँ इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि अपने

मेरी जान की हिफाजत कर क्योंकि मैं दीनदार हूँ ऐ मेरे खुदा अपने बंदे को जिसका तो तुझ पर है बचा ले या रब मुझ पर रहम कर क्योंकि मैं दिन भर तेरे आगे फरियाद करता हूँ आमीन खुदा का शिक्र करते हैं इस कलाम में मुकदस के लिए दूसरी आज पर हम गौर करेंगे मेरी जान की हिफाजत कर क्योंकि मैं दीनदार हूँ इस दुनिया में रहते हुए जब हम दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारेंगे तो फिर खुदा हमारी औलाद को बरकत देगा फिर खुदा हमारे शोहर की हाथ की कमाई में बरकत देगा फिर हमारे घराने को बरकत देगा बेष्टर ये कि हम दीनदारी से इस दुनिया में रहते हुए जिंदगी गुजारें मेरी जान की हिफाजत कर कई बार मैं खिदमत के लिए अकेली निकल जाती हूँ दूर तक लोग मुझे कहते हैं पास जी आप अकेले आई हो मैं नहीं यीशु मेरे साथ ले, है ले, ले। बाजी आप अकेले आ रात को भी मैं गई तो वो मुझे लोग देख के लगे बाजी आप अकेले आ गए हो नहीं मेरे तो साथ यीशु है आप कैसे कह रहे हो तो ऐसे है कि हमने खुदावन के काम को बढ़ाना है हैं? जब हम हर जगह खुदावन के काम को बढ़ाएंगे तो फिर खुदा हमें बरकत देगा और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारनी है ए मेरे खुदा अपने बंदे को जिसका तवक्कल तुझ पर है बचा ले वही बेचारे की कुदरत रखता है जब बारह बरस की रोगन का ईमान था ना तो उसने की इतने सब पुशाक का किनारा छू लिया तो शिफा पा गई आज भी हम ईमान से शिफा लेते हैं आज भी कई दूर जाए कहेंगे खादम हमारे सर पर हाथ रखे शिफा मगर नहीं बेष्टर ये कि ईमान से जब ईमान होगा तो हमें शिफा मिलेगी क्योंकि मैं दिन भर तेरे आगे फरियाद करता हूँ जब हम खुदा के आगे फरियाद करते हैं ना दाऊद बंदे की तरह जिस तरह वो घर में दुआ कर रहा था घुटने टेक कर उसके दुश्मन बाहर आ गए तो फिर भी वो बच गया किसने बचाया खुदा ने तो हमें एक दूसरे की बर्दाश्त भी करनी है एक दूसरे की बात को सहना है हमारा छोटा सा बच्चा है उससे कोई बात कह दे तो हम उसके घर तक चले जाते हैं उसको बातें सुनाते तू कौन होता हमारे बच्चों को बातें करने वाला बेष्टर ये कि हम बर्दाश्त करें एक दूसरे की जब हम बर्दाश्त करेंगे तो फिर जिंदगी का ताज पाएंगे हमारा यीशु मसीह ने कितनी बर्दाश्त की अदालतों में घसीटा गया एकम एक चालीस कोड़े लगाए सर पे कांटों का ताज पहना गया और वो खून उसका बह रहा था और वो औरतें अपने बटे से साफ कर रही थी बेषतर ये कि उसने सब कुछ बर्दाश्त किया छह घंटे वो स्लीप लटका रहा किसकी खातर हम सबकी खातिर आज भी हमें एक दूसरे की बर्दाश्त करना है तो खुदावन का शुक्र करते हैं खुदावन इस कलाम के वसीले आप सबको बड़ी बरकत दे आमीन थैंक यू पास्टर मुमताज़ बड़ा ही बाबरकत खुदा का कलाम क्योंकि खुदा का कलाम है ही इतना मीठा है खुदा का कलाम है ही इतना बाबरकत है कि जब भी वो अपने कलाम को नाजिल करता है तो बंद बंद और गुदे को चीर कर वो गुजर जाता है और खुदा का कलाम कभी भी बेतासी नहीं लौटता बल्कि जिंदगियों के अंदर काम करता है बड़ी खूबसूरत उसकी दूसरी आयत के दूसरे हिस्से में लिखा था कि ए खुदा अपने बंदा को जिसका तुझ पर तोल है तू बचा लेगा हम देखते हैं कि डैनियल को खुदा ने

होगा खुदा अपने कवि हाथ को बढ़ाकर आपको मौत की वादी से भी भी बचा लेगा तो इसी तरह खुदा 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 के बंदा साथ है है मैं चाहती का का जो आज आज आपके अंदर रखा हुआ है। आज सारे वेट कर रहे हैं कि आप भी खुदा का कलाम है, वो बयान करें जी, थैंक यू। जी। से पढ़ेंगे, जबूर इक्यावन उसकी पहली तीन मीर मुगनी के लिए दाऊद का उसके मजनूर के पास जाने के बाद जब नतन उसके पास आया ए खुदा अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खिताएं मिटा दे मेरी बदी मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाकर क्योंकि मैं अपनी ख़ताओं को बांधता हूं और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है और सतरवी आयत शिकस्ता रू खुदा की कुर्बानी है ए खुदा तो शिकस्ता और ख़स्ता दिल को हकी ना जानेगा खुदावंद के जिंदा कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बात से बरकत हो तो मुझे खुदावंद ने यह कलाम बख्शा कि मैं अपने नाजरीन के साथ और अपने हम खिदमत भाइयों के साथ अपने सिस्टर के साथ मिलकर इसे शेयर करूँ तो हम इसमें देखते हैं कि एक ऐसा शख्स जो दाऊद है जो बादशाह है उसके पास जब नतन जाकर उसको उसकी उस खामी को जाकर उसके साथ डिस्कस करता है उसके साथ बयान करता है तो यकीन जानिए कि होना तो ये चाहिए था कि वो अपने इख्तियारत को इस्तेमाल करते हुए उसके सर को कलम करवा देता उसे इस तरह से बुरा भला कहता कि तू कौन होता है मेरे ये बात करने वाला लेकिन हम ये समझते हैं कि आ, उस सूरमा ने अपने अपने आप आप को को सरेंडर किया बिल्कुल इस गलती के लिए उसने अपने आप को अपने आप को गिरा दिया और फिर हम देखते हैं कि जब हम खुदावन के लोग कहलाते हैं और हमसे कोई गलती सरजद हो जाती है कि आजकल हम अपने आप को ज्यादा से ज्यादा खुदावंत के नजदीकी में रखें और अपनी उन खताओं का इकरार करते रहें जिस तरह दाऊद ने अपनी खताओं का इकरार किया और उसने ये फरमाया कि मुझसे मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर क्योंकि मेरे अजीजों जब हम खुदावंद में हैं तो खुदामंद को पाक लोग पसंद है पाक दिल लोग पसंद है और मेरा आज आप सबके दरमियान ये मैसेज है कि अगर हमारे दिल में अगर हमारे जहन में अगर हमारे ख्याल में कोई ऐसी चीज चल रही है तो हमें अपने आप को खुदावन के सरेंडर करने की जरूरत है अपने आप को गिराने की जरूरत है तभी तो खुदावन के कला में लिखा हुआ है कि शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है ए खुदा तो शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर ना जानेगा तो मेरे रीजो खुदा जो है उसके सामने जब हम शिकस्ता दिल हो जाते हैं जब उसके सामने हम झुक जाते हैं तो वो हमें सरफराधी बख्शा है और मेरी दुआ है कि हम जो खुदावन के लोग हैं जो खुदावन की क्रीसिया है हम भी अपने उन सारे गुनाहों को खुदा के धुन में रखें और खुदावन हमें कभी हकीर नहीं जानेगा बल्कि वो हमें सरफराधी बख्शेगा खुदावन के जिंदा कलाम का सुना और पढ़ा जाना हम सब के लिए बात थैंक यू पास्टर कैलवन और बहुत ही बा बरकत खुदा का कलाम है और मेरा ईमान है कि जितने भी लोग आज के कलाम को सुन रहे थे आप लोग बरकत पा रहे होंगे ये सामने स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है अगर कोई भी आपकी दुआ या दरखास्त है अगर आप दुआ करवाना चाहते हैं अगर आप यहाँ पर आकर खुदा के कलाम की हमारे साथ बैठ कर मनादी करना चाहते हैं हम आपको दावा देते हैं आप इस दिए गए नंबर पर हमसे राबता कर सकते हैं तो आया वक़्त आ गया कि हम आप सबों के लिए बरकत की दुआ करें अगर आप कमज़ोर है लाचार हैं बदरु है बेरोज़गार है अगर कोई आपका साथ नहीं दे रहा तो याद रखे कि खुदा आपके साथ है क्योंकि खुदा अजीम है भला है उसकी शबकत अबी है वो उस्मान को छोड़कर जमीन पर उतर आया सिर्फ और सिर्फ आपके लिए खुदा ने जहाँ से इस कदर प्यार किया और अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए और आप उसके बेटे और बेटियाँ हैं तो आइए मान से अपनी आंखों को बंद कीजिएगा हम मिलकर सारे खादम आप सबों के लिए दुआ करते हैं और मेरा ईमान है कि आज का दिन ना सिर्फ आपके से का दिन होगा बल्कि आपकी निजात का दिन भी होगा आए अपनी आंखों को बंद कीजिएगा हम दुआ करते हैं खुदा बाप खुदा बेटे खुदा डॉक्टर खुदा इस तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेई तमजीद करते खुदा हम सारे खादम बहा मिलकर बड़ी आजी बड़ी सारी बड़ी हलीमी के साथ तेरी हजूरी में छुकते हैं खुदा और जितने भी लोग इस वक्त किंग टेलीविजन पर दी मेरिकल प्रोग्राम को देख रहे हैं खुदा अगर कोई बीमार है कमज़ोर है लाचार है बदरुगता है बेरोजगार है तेरे यस्सु के नाम से खुदा बहाली को मांग लेते खुदा कामयाबी को सरफराजी तरक्की को तुझसे मांग लेते इनके लिए खुदा हर तरह की सर की बीमारियाँ आँखों की बीमारियाँ कानों की

जाते रहे खुला हर तरह के, और और के नाम से मौके तेरे के नाम, में ते रहे ताकि इनकी स्किन, नाम से बच्चों की गवाहियां तेरे औलाद की, की बरकत दे दे खुला जो बेरोजगार है उन्हें दौलत और शोहरत अता कर खुरा ताकि तेरे नाम के गवाह बन जाए खुरा जिनके घरों में लड़ाई झगड़े हैं हर तरह के झगड़े तेरे मसीह के नाम में जाते रहे हर तरह की शुगर ब्लड प्रेशर लेवल तेरे नाम से नॉर्मल हो जाए मेरे खुदा और मनत करती कि जो वेंटिलेटर पर है कुराना जिनको कोविड हो चुका है जिनका कोविड पॉजिटिव आया तो मौत स्पिरिट को जिंदगी में बदल दे मेरे खुदा ताकि इनकी रिपोर्टे तेरे यस्सु के नाम से नॉर्मल हो जाए खुरा ये तेरे प्यारे तेरे नाम के गवाह बन जाए खुरा तेरे नाम की गवाहियाँ देने वाले बने खुरा तेरे बंदा बिशप जवेद मरद के लिए क़ुरान की मिनिस्ट्री के लिए इनके घराने के लिए चर्च के लिए हम तेरी बरकत की दुआ चाहते खुदा इसी तरह कुरान के अहली

हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके आज के प्रोग्राम का सारा इज्जत जलाल ऑनर हम तेरे नाम को देते मसी के नाम से द लॉर्ड हालेलुया थैंक यू बिशप जुवेद मलक साहब खुलाम था आपको बहुत बरकत दे और बड़ा ही बाबरकत खुदा का कलाम था आज

गॉड ब्लेस यू और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं आप सबों का भी बहुत शुक्रिया मेरा ईमान है कि आज इस प्रोग्राम के वसीला से आप सबों ने बरकत पाई होगी ये नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहा है आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कोई भी आपकी द्वारा दरखास्त है तो आप इस दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं अब हमें इजाजत दीजिएगा गॉड ऑल पाकिस्तान जिंदाबाद